अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। ये जो अभी शव मिला है, आपने इसकी शिनाख्त करी है? आप बता रहे हैं उनके आपके बड़े भाई हैं वो? छोटे भाई हैं। छोटे भाई हैं, हाँ जी। तो कैसे, क्या घर से गए थे और कब से गायब थे ये? इनके इरफान भैया के यहाँ पर डिलीवरी केस थी। डिलीवरी केस में इनके यहाँ का जो बच्चा था उनको पीलिया हो गया था, उन्हें देवास हॉस्पिटल में उसको रेफायर करा था। वहाँ पर 5 दिन से मेरा भाई उनके साथ में ही था। उसके बाद में 11 तारीख के रोज मेरे पास में आता है, बस नहाता है घर पे, एक 2 रोटी बासी खा के जाता है घर से, और वहाँ बोलता है, बोले भैया के यहाँ पे लड़का हुआ है, खुशी की खबर है, बस ये बोल करके वहाँ चले जाता है। उसके बाद में उनके पास ही था और ये बताते कि बोले वहाँ से हमें, जब वहाँ देवास हॉस्पिटल पहुँचता हूँ वहाँ पर मेरे पास में इनका वीडियो मिलता है पूरा, वीडियो में निकाल के लेके आता हूँ वहाँ से, मोबाइल में स्टोरेज करके हम सब जाते हैं वहाँ पे, मतलब नहर दरवाजे में हम लोग इनकी कंप्लेन करते हैं। कंप्लेन करने के बाद में इनको बुलाया जाता है वहाँ पे, तो ये आते नहीं है वहाँ पर, बोलते हैं मेरी पहले से वहाँ पर दिक्कत है कि मैं आऊँगा नहीं। ये फिर मेरे पास में वकील भेजते हैं, बोले वकील बोलता है मेरे को आकर के, रंजीत झाड़ा वकील का नाम है, झाड़ा, तो वो आकर के बोलता है, बोले सब लोग गाड़ी में बैठो, वहाँ पे बुलाया हुआ है तुम सबको, बोले तुम सबको, तो वहाँ पर थोड़ी मगजमारी हुई थी वकील से, तो TI साहब बोलते हैं इरफान भाई को फोन लगा के, बोले आपको आधे घंटे में यहाँ पर पेश होना है, नहीं हुए तो फिर हम घर से उठा लाएंगे। उसी बीच में मतलब वो रंजीत झाड़ा आता हमारे पास में वकील कार लेकर के, वो बोलता है, बोले आप सब, बोले कार में बैठो, हम आपको लेकर चल रहे हैं सिविल लाइन थाने पर रिपोर्ट लिखा के। सब लोग चिड़ जाते हैं, उसके ऊपर सिर हो जाते हैं, बोलते तू कौन सा वकील है, क्या है क्या नहीं करके। तो फिर वो बोलता है, बोले आप लोग बोले घर पे वहाँ लेकर चलो आपके, बोले वहाँ पर हम लोग सब सुनवाई करेंगे, इरफान भाई वहीं खड़े हुए, उनको अंदर करवाएं करके सारी बात हुई। अच्छा, ये जो इरफान है ये है कौन? इनके ये हमारे मोहल्ले में रहते हैं, मोहल्ले में नहीं रहते, मतलब मोहल्ले के उधर श्याम गार्डन के उधर रहते हैं रोड के उस पार। अच्छा। इनके यहाँ पर 8 वर्ष से काम कर रहा था मेरा भाई। क्या करता था आपके ये भाई? साई फाइनेंस ऑफिस में काम करता था, उनके सारे जो भी काम है, मतलब वो लोन वगैरह करवाना है ये वो वगैरह, पाले भैया के साथ में। अच्छा। और पाले जी जब जब मैं रिपोर्ट लिखाने गया, जब जब मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, और हर थाने से मेरे को मतलब हर जगह मतलब पैसे खिलाए गए, और हर जगह से मेरी कहीं भी कुछ भी मतलब सुनवाई नहीं हो पाई, और पाले भैया हर जगह वहाँ पे थाने पे मौजूद थे, जहाँ भी मैं बोलने जाता वहाँ पे जो मैं मेन बात करता था वहाँ पर वो सारी बात कर जाती थी। अच्छा, सारी बात। गायब कब से थे ये आपके भाई? ये मतलब करीबन 10 तारीख के रोज से मतलब इरफान भैया के साथ में ही है। अच्छा, तो आपको कैसे सूचना मिली कि मीठे तालाब पे? इरफान भैया के सवेरे 8 बजे 8:30 बजे मेरे पास फोन आता है, बोले अजय तेरे पास गाड़ी लेके आया क्या? मैंने बोला कि भैया मेरे पास गाड़ी लेके अजय नहीं आया, अजय तो आपके साथ में, आपके यहाँ लड़का हुआ तो आपके साथ ही सो रही है, बैठ रही है 5 रोज से। तो ये बोलते हैं, हाँ यार, बोले वो सेंट्रो गाड़ी लेके कहीं गया हुआ है, और मालूम नहीं कहाँ गया हुआ, बोले मैं उसकी तलाश कर रहा हूँ, तो कहीं जाओ मत, भटके मत, मैं सब ला दूंगा उसको। तो उसके बाद में इरफान भाई मेरे घर पे आते और बोलते हैं, बोले बेटा मेरी बात सुन, 2000 रुपये मेरे से ले, तो उसको ढूंढ, मेरी मम्मी को 1500 रुपये देते और बोलते हैं, बोले आपके घर का किराना भरो, मैं उसको ला दूंगा कहीं से भी। उसके बाद मेरे को बोलते थे, कुछ कहीं भी अगर पैसे की जरूरत लगे तो मेरे को फोन लगाना, मेरे को बताना, मैं तुमको सारे पैसे दूंगा, और कोई भी दिक्कत आती तो बोले मैं खड़ा हूँ तेरे लिए। अच्छा, हाँ, कहीं पे भी। आपका क्या मानना है कि क्या हुआ है? मेरे भाई को मारा गया बस।
किसने मारा है? इरफान भाई ने। अच्छा, उन्होंने मारा, सीधी सी बात। अरे कपड़े उसके अभी वहाँ पर जो कपड़े पहने थे मेरे भाई ने, जो कपड़ा घर से पहन के गया था मेरा भाई, वो कपड़े भी वहाँ पर नहीं मिले। बेल्ट मेरा भाई पहनते नहीं था, वहाँ पे बेल्ट भी मिला है और वो कपड़े भी दूसरे थे, पूरे कपड़े ढीले थे, जब जाके उसको बेल्ट पहनाया गया। ये कब से गायब थे आपके भाई? मेरा भाई मतलब करीबन 10 तारीख के रोज से यहाँ से मेरे घर से गायब था। सितंबर से? हाँ, मैंने रिपोर्ट सभी जगह लिखवाई, रिपोर्ट लिख नहीं रहे थे। नहा दरवाजे की रिपोर्ट लिखा रही थी, नहा दरवाजे रिपोर्ट नहीं लिखा रही थी, जो सिविल लाइन थाने गए, सिविल लाइन थाने पर इनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, तो ये वकील लेकर के आए। अपने पास सारी चीजें मेरे पास में कवर है, मतलब देवास हॉस्पिटल की, कहाँ से क्या हुआ, कितने बजे मेरा भाई वहाँ से निकला। आपका नाम बताइए। मेरा नाम विजय योगी है और मेरा आधार कार्ड में नाम दीपक योगी है। मेरे को विजय नाम से सब लोग घर वाले जानते हैं, सब परिवार वाले जानते हैं। कहाँ रहते हैं आप? मैं उत्तम नगर इटावा में रहता हूँ। अच्छा, इनके परिवार में कौन कौन थे जो आपके जो भाई है? इनके परिवार में शादी हो चुकी है उनकी? इनकी शादी नहीं हुई, शादी मेरी हुई, मेरा छोटा भाई था। अच्छा अच्छा जी, हाँ ठीक। इरफान भाई, ये जो एक व्यक्ति का शव मिला है, बताया जा रहा है कि वो कोई अजय का है जो आपके साथ काम करता है। श्रीमान, मेरा नाम इरफान हुसैन है, ये मेरा वहाँ पिछले 8 से 10 वर्षों से काम करता है, मेरे छोटे भाई जैसा है, ये मेरे पास ही रहता था। अच्छा, है ना। और इसका जो है, इनने मुझे रात को 12 बजे के 28 मिनट पे चरण सेवा के यहाँ पर, मेरे साथ एक मित्र और था रईस, चेक करके। कौन सी तारीख थी ये? 15 तारीख को रात का मामला है, मतलब 16 तारीख लगी थी चरण सेवा के वहाँ पर, मेरे को इनने ड्रॉप करा। उसके बाद मेरे भांजे को क्या दीवार ने फूंक दिया था पाँव में, तो उसको लेके हॉस्पिटल जाना था, निर्मल हॉस्पिटल उज्जैन। अच्छा, ठीक है। सुबह 7 बजे तो मैंने इसको गाड़ी दे दी थी कि भैया तू इसको सुबह लेके उधर के उधर निकल जाना क्या, इसलिए गाड़ी उसके पास थी। अच्छा, तो उसी दिन से वो लापता, उसका फोन बंद है। अच्छा, ये बताइए कि इनका जो परिजन है मृतक के, उनका ऐसा कहना है, आरोप है कि भाई आपके साथ ही वो पिछले 10 तारीख से रह रहा था। मेरे डिलीवरी हुई थी, मेरे बेटे को निमोनिया था, तो वो देवास हॉस्पिटल में मशीन में रखा हुआ था। अच्छा, तो मुझे कुछ कारणवश यहाँ पे जो चरण सेवा यहाँ पे काम था, तो उसने मुझे वहाँ पे ड्रॉप करा। अच्छा, ड्रॉप करने के बाद जो है, मैंने उसको बोला कि तू सुबह 7 बजे मतलब आपके साथ ही रह रहा था, मेरे भांजे को लेके निर्मल हॉस्पिटल उज्जैन पहुंच जाना। और रही नार दरवाजे थाने की बात, तो मेरे वहाँ पे एक प्रकरण दर्ज था, इसलिए मैं वहाँ जा नहीं पा रहा था। मैंने इनकी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई, क्योंकि मौका मुआयना जो था वो चरण सेवा था, जो कोतवाली थाना क्षेत्र में लगता है, तो मैंने खड़े रह के इनकी वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज कराई है गुमशुदगी की। ठीक है, मैंने खुद ने कहा। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर जो है कल शव मिला, तो आपने कैसे शिनाख्त करी, आप कैसे पहचाने? उसके जो हाथ पे अजय लिखा हुआ था और उसके जेब में एक हैंड फ्री पाउच वगैरह जो भी था जी, वो पहचान उसमें ही था। वो क्या 15 तारीख को उसको गीला हो गया था, तो उसको कपड़े उसने बदले थे। इनके वहाँ 10-11 तारीख को गया था, तो वो रेड कलर का शर्ट था। अच्छा, तो कपड़े भी उसके गाड़ी में ही है, गाड़ी सहित लापता है वो, अभी गाड़ी भी मिलेगी ढूंढने से। तो अभी तो शव मिला है, गाड़ी नहीं मिली आपको? गाड़ी भी पुलिस जो भी होगा बेहतर, जो बेस्ट होगा वो निकालेगी। कौन सी कार चलाते थे आपकी? ये मेरी कार जो है गैरेज पे, उसका इंजन खराब हो गया तो वो गैरेज पे खड़ी हुई है। अच्छा, ये मैंने हॉस्पिटल के काम के लिए मैकेनिक के यहाँ से उठाई थी, 4-5 दिन का काम निपटाने के लिए। तो ये गाड़ी मेरी नहीं है, पर ये मैकेनिक के यहाँ से 4-5 दिन का मेरा हॉस्पिटल का काम निपटाने के लिए ली थी। अच्छा, तो ये इसका नंबर है MP09CC2015। अच्छा, ये गाड़ी से ही है गया है। और ये गाड़ी गायब भी है? ये गाड़ी भी गायब है, जो भी होगा पुलिस बेहतर से बेहतर जाँच कर लेगी। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम इरफान, बेटा यूनुस हुसैन है, मैं उत्तम नगर रहता हूँ।